जैसे कि आज हम आपको मेफिरोसिन क्रीम ऑइंटमेंट के बारे में बताएंगे। मेफिरोसिन ऑइंटमेंट क्रीम का उपयोग क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, मेफिरोसिन ऑइंटमेंट क्रीम का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, बॉडी में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा मेफिरोसिन ऑइंटमेंट क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, इसे दिन में कितनी बार लगाना होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। स्किन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तब डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है। ये समस्या ज़्यादातर आपके चेहरे या हाथ या पाँव में देखा जाता है। इसमें व्यक्ति के स्किन पर येलो कलर का पपड़ी जम जाता है, कई बार फफोले भी हो जाते हैं और घाव की समस्या भी देखा जाता है, तभी समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है स्किन पर। इस समस्या में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा खुजली जैसा महसूस होता है और खुजली की समस्या भी होती है। ये समस्या कमर के साइड में भी देखा जाता है और कभी कभी ये जब सीवियर कंडीशन में हो जाता है तब उस व्यक्ति को बुखार की समस्या भी आ जाता है, उसे काफ़ी ज़्यादा बुखार भी होने लगता है। तब इस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा मेफिरोसिन क्रीम ऑइंटमेंट दिया जाता है लगाने के लिए, जिससे जो उसके स्किन पर इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाता है। फोलिकुलाइटिस की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है, जब स्किन पर फोलिकुलाइटिस की समस्या हो जाता है तब। इस समस्या में क्या होता है, जैसे कि एक बाल दूसरे बाल के जड़ों के बीच में ये इन्फेक्शन की समस्या हो जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये ऑइंटमेंट क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसके स्किन पर जो समस्या रहता है वो ठीक हो जाता है। ये शुरुआत में पिंपल्स की तरह होता है जो येलो हेड की तरह दिखाई देता है और ये समस्या धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे कि ये समस्या आपके हाथ पे हो जाएगा, चेहरे पे हो जाएगा, पाँव में हो जाएगा, कमर पे हो जाएगा, कंधे पे हो जाएगा, यानी बॉडी में कहीं पर भी ये समस्या हो जाता है जहाँ पर बाल होता है। और अगर ये सीवियर कंडीशन में हो जाता है तब भी उस व्यक्ति को बुखार की समस्या हो जाता है। अगला जो हमारा स्किन इन्फेक्शन है बॉयल, जो एक प्रकार से हम जिसे फोड़ा कहते हैं, ये मवाद भरा त्वचा पर स्किन हो जाता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये समस्या को ठीक करने के लिए इस ऑइंटमेंट क्रीम का उपयोग करने के लिए मरीज को दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके पैर में, हाथ पे या फिर कंधे के साइड में फोड़े के जैसा, आप वहाँ पर खुजली करते हैं उसके बाद में फोड़े के जैसा हो जाता है, उसमें मवाद आता है, उसमें पस की समस्या आती है, उसके चारों तरफ रेडनेस सा हो जाता है, उसमें जलन का समस्या हो जाता है और इसकी वजह से आपको बुखार की भी समस्या हो जाती है। इस फोड़े फुंसी की वजह से अगर उसमें मवाद आ गया या फिर वैसे किसी कारणवश आपको फोड़ा फुंसी हो गया, तब उस समस्या को ठीक करने के लिए यानी उस स्किन पर जो इन्फेक्शन है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये ऑइंटमेंट क्रीम लगाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उसकी प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो जाता है। और इस क्रीम का उपयोग पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये ऑइंटमेंट लगाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर किसी को लोहा लग गया हो या फिर अगर उसके शरीर में कहीं पर फोड़ा फुंसी की समस्या रहता हो, वो फोड़ा फुंसी ठीक हो जाता है फिर उसी जगह पर निकल आता है, उसमें मवाद आता है, पस की समस्या रहती है, उसमें दर्द भी रहता है, उसके साथ में जलन की समस्या रहती है, उस फोड़ा फुंसी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये ऑइंटमेंट दिया जाता है स्किन पर लगाने के लिए, जिससे जो उसकी प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बच्चों में या फिर बड़ों में हम ये देखते हैं कि नाक के साइड में या फिर कान के साइड में फोड़ा फुंसी हो जाता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्किन पर इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें पस निकलता है, मवाद सा आता है, ये आप देखे होंगे छोटे बच्चों में अक्सर उनके नाक के साइड में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, वो दाने एकदम रेड कलर के होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों में दर्द की समस्या रहती है, तब भी डॉक्टर के द्वारा उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए फोड़ा फुंसी की समस्या में ये क्रीम लगाने के लिए देते हैं, जिससे जो स्किन पर इन्फेक्शन रहता है वो ठीक हो जाता है। मेफिरोसिन क्रीम एक प्रकार से एंटीबायोटिक क्रीम होता है, इसीलिए ये फंगल इन्फेक्शन और बहुत सारी स्किन इन्फेक्शन की समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये प्रेस्क्राइब किया जाता है लगाने के लिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे कि आप जब ये क्रीम स्किन पर लगाएंगे तब आपको जलन की समस्या हो सकता है, आपके स्किन पर रेडनेस की समस्या हो सकती है, खुजली की समस्या हो सकती है, आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो ये तुरंत क्रीम बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से एक बार सलाह ज़रूर लें। ये क्रीम आपको 80 से लेकर 120, 100, 85
रुपए में मिल जाएगा। जैसे कि ये क्रीम जो होता है, ये अलग अलग कंपनियां अपनी जो ब्रांड नेम से अलग अलग प्रकार से हर एक मेडिकल स्टोर पर ये क्रीम रहता है, और ये क्रीम काफ़ी अच्छा क्रीम होता है। तो कोई भी क्रीम आप लगाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से सलाह ज़रूर ले लें।